सुस्वागतम छात्रा, शब्द रूप में अभी तक हम लोगों ने संज्ञा के अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत शब्दों को पढ़ा है। आज हम ऋकारांत शब्द पढ़ रहे हैं। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, संज्ञा शब्द, पितृ शब्द। विभक्ति और वचन वही रहेंगे, सब में विभक्तियाँ 8 होती हैं और वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसका रूप देखिए कैसे बनता है। प्रथमा में पिता पितरौ पितरः, द्वितीया में पितरम पितरौ पितृन, तृतीया में पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, चतुर्थी में पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पंचमी में पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, षष्ठी में पितुः पित्रोः पितृणाम, और सप्तमी में है पितरि पित्रोः पितृषु। संबोधन में हे पिता, हे पितौ, हे पितरः। हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। अब ऐसे ही मातृशब्द बनेगा। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है माता। विभक्ति वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया में देखिए, प्रथमा माता, मातरौ, मातरः, द्वितीया मातरम, मातरौ, मातृः, चतुर्थीया में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, चतुर्थी में मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, पिता की तरह से ही। पंचमी में मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, षष्ठी में मातुः, मात्रोः, मातृणाम, सप्तमी में मातरि, मात्रोः, मातृषु। हे मातः, संबोधन, हे मातरौ, हे मातरः। इसी प्रकार भ्रातृ शब्द का रूप भी आप स्वयं बना सकते हैं। आगे आते हैं अब हम सर्वनाम शब्दों के रूप बाद में बताएंगे, अगले सत्र में बताएंगे। अब हम आ जाए धातु के बेसिक देख लेते हैं। धातु रूप काल देख लीजिए पहले, और फिर उसके बाद लकार देख लीजिए। लकार तो लकार में आप देखेंगे, पहले मैं इसका चिन्ह बताऊंगा कि इसका चिन्ह क्या होता है। वर्तमान काल लट लकार, इसको लट लकार भी कहते हैं। जहाँ ता है, ती है, ती है, जिस सेंटेंस के अंत में आ जाए, वर्तमान काल लट लकार होता है। आज्ञा लोट लकार में, आज्ञा को लोट लकार भी कहते हैं। इसमें अनुमति मिली गई हो, आज्ञा दी गई हो, आशीर्वाद दिया गया हो और प्रार्थना की गई हो, वो आज्ञा लोट लकार होता है। विधिमाने चाहिए, तो विधिलिंग लकार का चिन्ह है चाहिए। भूत का लंग लकार, था, थी, थे, या कार्य का पूरा हो जाना। भविष्य का लृट लकार, गा, गी, गे। अब सभी लकारों के चिन्ह आप देखें। वर्तमान काल लट लकार में पुरुष वचन वही रहेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष सह, तौ, ते, प्रथम पुरुष में होता है तो सह, ती, तौ, तः, ते, अन्ति। मध्यम पुरुष में त्वम, सी, युवाम, तुम दोनों, था, यूयम, तुम सब, था, था। उत्तम पुरुष में अहम माने मैं, आमि, आवाम, हम दोनों, आवह, वयम, हम सब, आमहा। इन्हीं नियमों के आधार पर हम पट धातु का रूप बनाते हैं। पट धातु पे आ जाइए। प्रथम पुरुष में पुरुष और वचन, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष होगा ही होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, तीतः अंत ऊपर है ना, पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठतः, पठथ। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः।
जैसे अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामः। अब आप पठ धातु की भांति लिख, दा, दृश, दृश धातु का रूप पश्य के रूप में चलता, पश्यति पश्यता। पार धातु का रूप पिब के रूप में चलता, पिबति पिबतः, पिबंति तो बोले भविष्य काल को छोड़कर। हसति हसता हसंति आदि शब्दों के रूप भी वर्तमान काल लट लकार में लिख सकते हैं, कोई एक धातु स्वयं बनाए। आज्ञा लोट लकार, इसके चिन्ह हैं पुरुष वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह तु प्रथम पुरुष, तव ताम ते अंतु मध्यम पुरुष, तम अ युवाम तम, यूयम त उत्तम पुरुष, अहम आनि आवाम आव, वयम आम। अब हम इसी आधार पर धातु बनाते हैं, पर धातु ही बनाएंगे पहले। तो पुरुष और वचन तो रहेंगे रहेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी है। अब प्रथम पुरुष में देखिए क्या है, तू ताम अंतु, उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, तू ताम अंतु। अब इसमें मूल धातु लगा दीजिए, पठतु पठताम पठंतु। मध्यम पुरुष तुम आ है तो पठ पठतम पठत। उत्तम पुरुष में पठानी पठाव पठाम। आज्ञा लोट लकार में पठ धातु की भांति ही लिख, दा, हस, नम, दृश, गम, पा, भू, अस आदि शब्दों के रूप ही बनेंगे। किन्हीं दो क्रियाओं धातुओं के रूप स्वयं लेकर अभ्यास करें। विधिलिंग लकार में आते हैं, विधि माने होता है चाहिए, जिस शब्द के अंत में चाहिए लगा हो। चिन्ह है उसका पुरुष वचन। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष सह एत, तव एताम, ते एयुः। मध्यम पुरुष त्वम एह, युवाम एतम, यूयम एत। उत्तम पुरुष अहम एयम, आवाम एव, वयम एम। पठधातु को हम इसमें करके देखते हैं, वचन और पुरुष, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में पठेत पठेताम, एत एताम एयु है, तो पठेत पठेताम पठेयुः। एह एतम एत, तो ये हो जाएगा पठेह पठेतम पठेत। एयम एव एम, तो उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठेयम पठेव पठेम। विधिंग लकार में सभी शब्दों के रूप सभी पुरुषों में वचनों में बनेंगे, केवल चिन्ह याद रखें। भूतकाल लंग लकार में आते हैं, भूतकाल में था, थी, थे, या काम हो चुका है, ये इसकी पहचान है। अब चिन्ह में आइए, पुरुष और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष सब शब्दों के पहले, सभी धातुओं के पहले आ लग जाएगा, उसके बाद में उसका चिन्ह लग जाएगा, बीच में शब्द डाल दीजिए। अत अताम, अन, अह अतम, अत, अम, आव, आम। अब आप बिंदुओं, जो बिंदु दी गई हैं, इनके मध्य स्थान पर क्रिया धातु का शब्द लिख दें। धातु तैयार है, जैसे पठ धातु ले लीजिए, पुरुष वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब प्रथम पुरुष में क्या बनेगा, आ लगा दिया हमने तो अपठत अपठताम अपठन। मध्यम पुरुष अपठः अपठतम अपठत, हलन नहीं है। उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठा। इसी तरह किसी भी शब्द के धातु आप स्वयं बिना स्वयं बना सकते हैं, केवल चिन्हों पर ध्यान दें। भविष्यकाल लट लकार, गागी गे, भविष्यकाल शब्द, भविष्य शब्द दो शब्दों से बना है, भू प्लस इष्य भविष्य, तो दो शब्दों से बना हुआ है। इस प्रकार में धातु बनाने के लिए
आप वर्तमान काल लट लकार के चिन्हों के पहले इसे लगा देंगे तो फिर भी भविष्य काल लट लकार तैयार हो जाएगा। चिन्ह देख लीजिए, प्रथम पुरुष इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, अब तीतः अंति था वर्तमान में, आपने उसके पहले ई लग इसे लगा दिया तो इष्यति इष्यतः इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में ई लग बीच में इष्यसि था के पहले इसे लगाया इसे था और था के पहले इसे लगाया इसे थ, मी के पहले इसे लगाया इसे आमी स्यावह इसे आमह। अब इन्हीं नियमों के से हम भविष्य काल लृट लकार के रूप बनाते हैं। पठ धातु देख लीजिए, भविष्य काल लृट लकार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वचन में एक वचन द्विवचन बहुवचन हमेशा रहेंगे। प्रथम पुरुष में देखिए इष्यति लगाइए, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इसी प्रकार सभी धातु रूप गम पा दृश धातु को छोड़कर सभी रूप बनेंगे। गम धातु गच्छ से चलती है, पाप विषय चलती है, दृश्य जो है पश्य से चलती है। यहाँ हो जाएगा पश्यति पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, आपने देख लिया गम में आगे के थोड़ा परिवर्तन है, इससे लग जाएगा वर्तमान काल लट लकार में। आप कैसे देखिए, गम धातु गच्छ धातु गच्छ पुरुष वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष में वर्तमान काल लटकार में ती होता है इसे लगा दीजिए गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, मध्यम पुरुष गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथ, उत्तम पुरुष में गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। अब दृश धातु देखिए, दृश धातु में थोड़ा परिवर्तन है, पुरुष वचन वही रहेंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष में द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। यहाँ पश्यसि नहीं होगा, द्रक्ष्यति हो जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। पा धातु में भी ऐसे ही चेंज है, पा माने पिब पीना, प्रथम पुरुष पुरुष हो गया, वचन हो गया, एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया, प्रथम पुरुष में पास्यति पास्यतः पास्यन्ति पास्यसि, मध्यम पुरुष पास्यसि पास्यतः पास्यथ, उत्तम पुरुष पास्यामि पास्यावः पास्यामः। नोट, अब तक जो धातुएं आपने पढ़ी हैं वे सारे परस्मय पदी धातुएं थीं। आत्मनेपद धातु हम आपको बता दें, आत्मनेपद धातु भी होती है जैसे सेव धातु सेवा करना, वर्तमान काल लट लकार, पुरुष वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष में सेवते सेवेते सेवन्ते, मध्यम पुरुष सेवसे सेवेथे सेवध्वे, उत्तम पुरुष सेवे सेवावहे सेवामहे। भूतकाल लंग लकार में इसी को देखिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष वही हैं, उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष में होगा असेवत असेवेताम असेवंत, असेवथः असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवा वही असेवा मही। अब लोट लकार भी ऐसे चेंज है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुरुष वही हैं, प्रथम पुरुष सेवताम सेवेताम सेवन्ताम, मध्यम पुरुष सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम, उत्तम पुरुष सेवै सेवा वहै सेवा महै। भविष्य काल लट लकार में भी देख लीजिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन में प्रथम पुरुष में क्या है सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, मध्यम पुरुष सेविष्ये
से विश्य से विश्य थे से विश्य द्वे से विश्यसि है उत्तम पुरुष से विश्य से विश्यावहे से विश्यामहे। विधिर्ण लकार में भी ऐसे ही चेंज हुआ है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में प्रथम पुरुष में से वेत से वेताम से वेरन, मध्यम पुरुष से वेथाह से वेथाम से वेध्वम, उत्तम पुरुष से वेथ से वा से वे वही से वेथ से वेम से वे वही से वे मही। ये हो जाएगा सेवेम, हाँ सेवेम सेवे वही सेवा मही। थैंक यू।